लेकिन यह जंग अब यूक्रेन के वॉर जोन तक सीमित नहीं है, बल्कि रूस की बदलती रणनीति बता रही है कि जंग का दायरा बहुत विशाल हो चुका है और हर मोर्चे पर अप्रत्यक्ष रूप से टारगेट अमेरिका है। अब रूस की तरफ से ताजा हलचल भूमध्य सागर में देखने को मिली है, जिसमें अमेरिका और नेटो के पार्टनर सीधे टारगेट पर नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या रूस विनाश की परिकल्पना को साकार रूप दे रहा है या फिर यह दबाव की रणनीति है? अब क्या है पूरी हलचल और क्या है फैलते वॉर जोन का असली मकसद, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। रहे बारूद से जिस तबाही को दुनिया महसूस कर रही है, वो तबाही महज ट्रेलर है। रूस असली जंगी बिसात कहीं और ही सजा रहा है। बारूद इस पानी के न सिर्फ ऊपर तैर रहा है, बल्कि खुफिया तौर पर पानी के नीचे भी बिछा दिया गया है। और इस वॉर जोन की रणनीति को अंजाम तक पहुंचाने के लिए क्रेमलिन की हलचल हर दिन महसूस भी हो रही है। ताजा हलचल का केंद्र है भूमध्य सागर, जहां इस वक्त रूस का फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस होकर पहुंच गया है। अब सवाल यह है कि आखिर भूमध्य सागर में जिरकॉन मिसाइल से लैस फ्रिगेट गोर्शकोव पहुंचाने का मकसद क्या है? क्या यूक्रेन के खिलाफ मेडिटेरेनियन सी में तैनात मिसाइल का इस्तेमाल होगा? या फिर ये अमेरिका का नई रणनीति के तहत हुआ घेराव है? क्या सीरिया में यूएस का घेराव हो रहा है? क्या यूरोपियन देश रूस के टारगेट पर है? या फिर क्या नेटो पर दबाव बनाया जा रहा है? इन सवालों का जवाब फिलहाल क्रेमलिन तक सीमित है, लेकिन हाल ही में रूस ने जिरकॉन मिसाइल का नया टेस्ट किया था। जिसके आधार पर अनुमान ये है कि अब रूस वॉर जोन का प्रसार हाइपरसोनिक हथियारों के सहारे करने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि दायरा कितना बड़ा है। क्या रूस की रणनीति बाल्टिक टू ब्लैक सी की घेराबंदी तक सीमित नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर दायरा क्या है? हाइपरसोनिक घेराबंदी का दायरा नक्शे के जरिए समझिए। इस समय रूस का फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव भूमध्य सागर में है, जिससे तुर्की, सीरिया, ग्रीस, इटली, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और स्पेन के अमेरिकन ठिकानों पर संकट मंडराने लगा है। वहीं ब्लैक सी में रूस की सदर्न कमांड की एक्टिव फ्लीट ने पहले ही हलचल बढ़ा रखी है, जबकि कैस्पियन सागर से आने वाली मिसाइल्स ने पहले ही यूक्रेन को थर्रा दिया है। यानी रूस की जिरकॉन मिसाइल से एक बड़ी रेखा में मौजूद दुश्मन देश पर विनाशकारी हमला करने में एडमिरल गोर्शकोव इस वक्त सक्षम है। लेकिन क्या इस फ्रिगेट की हलचल सिर्फ ऑफेंसिव तैयारी के तहत बनाई गई रणनीति का सबूत है, या फिर रूस का प्लान समझने में अब भी अमेरिका कोई गलती कर रहा है? सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों की हलचल बता रही है कि रूस ने मेडिटेरेनियन सी में अपना मिसाइल पोत तैनात करते ही एक सुरक्षात्मक घेरा तैयार कर लिया। कैसे, इसे समझिए।
बाल्टिक सागर के ऊपर रूस के SU-27 और IL-20 की उड़ान के अलावा उफान सबमरीन का पहुंचना एक मोर्चे को मजबूत करता है। वहीं ब्रिटेन के शेटलैंड द्वीप समूह के उत्तरी दिशा में TU-160 बॉम्बर और MiG-31 की उड़ान ने जंग के दायरे को बढ़ा दिया। वहीं रूस की आर्कटिक फ्लीट ने ग्रीनलैंड, बैरेंट्स जैसे सागर की हलचल पर नजरें गड़ाई हुई, जबकि रूस की पैसिफिक फ्लीट ने हाल ही में जापान के पास और जापान सागर में एक्सरसाइज करके अपनी तैयारी दिखाई, जबकि ब्लैक सी और कैस्पियन सी में एक्टिविटी रूस साक्षात दिखा चुका है। इसका मतलब है कि रूस ने जंग के बीच एक डिफेंसिव घेरा पूरी तरह तैयार कर लिया है। और ये सब सिर्फ हाल ही की हलचल के आधार पर नहीं कहा जा रहा है, बल्कि इसके संकेत खुद रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने SU की बैठक के दौरान दिए। उन्होंने इस विस्तार को लेकर जो कहा वो रूस की इस रणनीति की पुष्टि है, यानी रूस की डिफेंसिव शील्ड न सिर्फ मजबूत होगी बल्कि अमेरिका के बढ़ते दायरे को भी कम करेगी। हालांकि इसमें रूस के दक्षिणी हिस्से को इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि वहां रूस का मित्र चीन है, जिसने पहले ही साउथ चाइना सी में अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। स्थिति बिल्कुल साफ है, रूस का मेडिटेरेनियन सी प्लान न सिर्फ डिफेंसिव है बल्कि बाल्टिक सी, ब्लैक सी के अलावा ऑफेंसिव मोड में एक ऐसी रेखा बना रहा है जो नेटो के सदस्यों की तबाही का सीधा संदेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।